अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। मैंने काफ़ी अरसे पहले ये सोचा था जब मैंने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी कि अब मैं इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाना कम कर दूंगा, या फिर यू नो फॉर अ लॉन्ग टाइम अब ऐसी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। लेकिन एज़ यूजुअल फेल प्रे टू माय अग्रेसिव नेचर। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे ना पाकिस्तान के बनने की जब बात हो रही थी कि व्हाई डिड पाकिस्तान कम टू एग्जिस्टेंस, तो उस पर लोगों की बहस शुरू हो गई कि इस पॉइंट को तो निकाल ही दिया लोगों ने कि इस्लाम की वजह से पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान कोई कह रहा है वो इकोनॉमी का कोई था इश्यूज वजह से बना था, कोई कह रहा है भाई कायदे आजम को कोई पर्सनल उसमें मुफाद नजर आ रहा था इसलिए पाकिस्तान बना था। और मैं सिर्फ उनसे, मैं आप सब से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं जो ये मानते हैं ना कि पाकिस्तान इस्लाम की वजह से नहीं बना था। इन वर्ड्स ऑफ माय टीचर सर हसन, कौन सा इंकलाब, इतना बड़ा इंकलाब कभी इकोनॉमी के बेस पे आया या आ सकता है? इतना बड़ा इंकलाब, हाँ इकोनॉमी के बेस पे ये जरूर हो सकता है कि आपने किसी प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया के या करप्शन के लिए आप बाहर निकल आए, लेकिन मुल्क एक अलग मुल्क ही बन जाए इकोनॉमी के बेस पे। अब उस टाइम पे क्या ये नारे लग रहे थे कि भाई हमारे पास जॉब्स नहीं है, या क्या कहते हैं हमारे टैक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, पैसे कट रहे हैं मैंने, या मुल्क बना दो, क्या ये नारे लग रहे थे? इफ यू स्टडीड हिस्ट्री या इवन इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ सेंस, क्योंकि वो तो अभी भी हो रहा है, क्या कहते हैं टैक्स और इकोनॉमी तो अभी भी हर मुल्क में हर जगह इस तरह के मसले चल रहे हैं जब क्राइसिस आता है, तो क्या नए मुल्क बन ही जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे नारे ये लग रहे थे कि मुसलमानों को अपने हुकूक नहीं मिल रहे, और ये जो अल्लाह का नाम इस्तेमाल हुआ था नारा तकबीर, और इसकी वजह से जो जज्बा आया था दैट मुसलमान बाहर निकले थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही, दे वर रेडी टू डाई, गर्दनें कटी थी आपकी, अगर नानियां, सबकी नानियां दादियां जिंदा है तो जिन्होंने पार्टीशन के किस्से देखे हैं या दे हैव बीन थ्रू इट, उनसे पूछेंगे क्या हुआ था पार्टीशन पे। इस तरह नहीं हुआ था कि पीसफुल प्रोटेस्टिंग लिबर्टी चौक पे खड़े हो के वो उठा लिए छोटे छोटे से प्लैक कार्ड्स, ऐसे नहीं हुआ था। पीपल डाइड, नस्लें बर्बाद हो गई थी। तो वो इस्लाम ना होता ना तो पाकिस्तान बनता ही ना, इट्स अ कॉमन। और मुझे एक वजह बता दे फॉर अ न्यू नेशन, खुश थे ना फिर सारे, अगर हिंदू मुसलमान सब ठीक थे तो फिर नए मुल्क की जरूरत क्या थी? जरूरत ही ये टू नेशन थियरी, ये जो ट्विन हिंदू मुसलमान का जो कॉन्फ्लिक्ट आया था, नहीं तो इसके अलावा कोई सेम रीजन नहीं है इतना बड़ा इनकलाब आने का कि 18 करोड़ 20 करोड़ लोग ही अलग हो गए, वो सिर्फ इस्लाम का नारा था। अब दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जिसने नहीं माना वो नहीं मानेगा, जो ढीठ है जो स्टबन है वो नहीं मानेगा। मैं सिर्फ कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट मेरी वजह से अगर कोई एक बंदा भी यू नो फैक्ट्स को यू नो अगर समझता है तो बहुत है, क्योंकि एक बंदा इज लाइक वन, एक पूरी नस्ल क्योंकि मूव्स ऑन लाइक दैट। और ये मैं अपने से बात नहीं बना रहा, आई हैव एक्चुअली रेड अबाउट इट एंड आई हैव एक्चुअली टॉक्ड टू प्रोफेशनल्स, टू इस फील्ड में जो सीनियर्स हैं हिस्ट्री के, जिन्होंने पाक हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका अपने टीचर को, मैंने उनसे, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, मैंने उनको मैसेज किया और मैं गालियां ही देता रहा, मैंने वाज लाइक अहमद गालियों से बात नहीं होगी, गालियों से कोई समझेगा नहीं, और यू हैव टू बी फैक्चुअल, तो मेरी बात सुनो, ये इस तरह बात करो, तुम जिस तरह जज्बाती हैं अग्रेसिव बात करोगे तो कोई सुनेगा नहीं, उल्टा तुम पे पड़ जाएगी। बट कुडंट हेल्प इट, वही ना कि क्यामत की एक बहुत बड़ी निशानी में से एक निशानी ये होगी कि आपके सामने गलत हो रहा होगा और आप लोग वो गलत को गलत नहीं बोलेंगे, सोसाइटी का प्रेशर कह लें या वो कह लें कि भाई मेरा क्या है, मुझे तो कुछ नहीं कह रहा तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूंगा, तो ये क्यामत की बहुत बड़ी निशानी में से एक निशानी। अच्छा जी, कमिंग टू, ये तो हुआ था 2-3 हफ्ते पहले, तो आई वॉज ओवर इट, मैंने कहा चलो ठीक है रहने दो। अब 2 दिन पहले हमजा अली अब्बासी ने एक वीडियो बनाई
how he's quitting showbiz industry. मैंने वो वीडियो सुनी, I loved it. एक एक बात उसने बहुत बहुत अच्छी बात की, एक एक बात बहुत पॉइंट की. लेकिन as usual, लंडे के लिबरल्स निकल आए, देसी लिबरल हमजाली अब्बासी को बैश करना शुरू कर दिया. अच्छा जी, मुझे ये बताएं आप लोग कि जो फ्रेज होता है लिव एंड लेट लिव या हिज लाइफ हिज चॉइस, हर लाइफ हर चॉइस, ये सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल है जो क्या छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं. तो छोटे कपड़े कोई पहनना चाहता है तो आप कहते हैं वो यू गो गर्ल, तुम्हारी बॉडी, तुमने जो करना करो, हम कोई नहीं होते तुम्हें कुछ कहने वाले. अगर कोई शराब पीना चाहता है या इस्लाम से दूर जाना चाहता है या अपना जेंडर चेंज करना चाहता है, मर्द से औरत बनना चाहते हैं औरत से, तो आप पीछे हो जाएंगे. आप बोलेंगे वो यू गो गर्ल, तुम्हारा जो विश है, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करोगी, वी आर नो वन टू टेल यू हाउ टू लिव, वो मोर पावर टू यू. लेकिन अगर सिमिलरली कोई अपनी मर्जी से बुरका पहनना चाहता है, इस्लाम में वापस आना चाहता है, दाढ़ी बढ़ाना चाहता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो उस पर यह लागू नहीं होगा. उसको बोला जाएगा कि देसी मॉल डिस्को मॉल भी, या उसको बोला जाएगा कि तू अपनी दुकान चला रहा है. तो ये मेरे हिसाब से ये जो देसी लिबरल्स है ना, दे द मोस्ट मोस्ट हिपोक्रिटिकल पीपल एवर. लिबरल इंसान वो होता है जो हर एक की थॉट, हर एक की ओपिनियन को एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट से मुराद ही अंडरस्टैंड्स कि अच्छा आप, सॉरी आपको एप्पल जूस पसंद है, दैट्स नाइस, मुझे मैंगो जूस पसंद है. वो ये नहीं बोलेगा अबे तुझे एप्पल जूस पसंद है, अबे जाना तेरे तो टेस्ट ही खराब है, अगर तुझे मैंगो जूस नहीं एप्पल जूस. फिर ये वो पॉइंट ही निगेट हो गया ना. लिबरलिज्म तो होती है कि यू एक्सेप्ट ऑफ व्हाट यू आर ओपन टू अदर्स चॉइसेस इन देयर लाइव्स, और वो जो कर रहा है उसके लिए वो ठीक है, मैं जो कर रहा हूं मेरे लिए वो ठीक है. लेकिन हमारे लिबरल्स का सैडली बैक ऑफ द माइंड इनके कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनके लिए सही हैं, कुछ इनकी चीजें और इनको पता है वो क्या है, और कुछ इनके लिए गलत है. अब इनकी सही चीजों से आप इख्तलाफ करोगे ना, तो फिर आप उनकी वो कूल लीग में कंसिडर ही नहीं करते, आप उनकी वो कूल लीग में शामिल ही नहीं होगे. ये जो इन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई है ना कि फर्ज करो कि आप को हिजाब करना है, और लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, यू शुड बी यू नो ओपन टू वेयर एवरीथिंग. ठीक है, ओपन टू वेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से मुराद जो भी कोई लड़की है उसकी मर्जी है वो हिजाब लेना चाहती है, या मेरी मर्जी है मैं दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूं, तो लिबरल्स के लिए ये इतना वो नहीं होगा. वो खुशी से ये नहीं बोलेंगे या यू गो गर्ल, अगर तुम हिजाब पहनना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है. वो कहीं ना कहीं अंदर ये जरूर रखेंगे कि व्हाई आर यू बीइंग ऑप्रेस्ड, आई मीन व्हाई डू यू नीड टू लाइक कवर योर फेस, यू नो यू शुड बी ओपन एंड यू नो एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड फलाना ठमकाना. क्या सीन है, ये कौन सा लिबरलिज्म बेच रहे हो. अच्छा, हमजा अली बासी ने जो बातें कही हैं 150% ठीक की हैं, और ये लोगों को इसलिए लगी हैं क्योंकि उसने सच कहा है, और यही तो क्यामत की एक निशानी है कि सच सुन नहीं पा रहे ना, सच सुन नहीं पाएंगे हम लोग. उसने ये कभी भी नहीं कहा कि एक्टिंग खराब है, उसने तो ये कहा ही नहीं. ही सेड ही वाज टॉकिंग इन फेवर ऑफ एक्टिंग. लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि ऑल द स्टफ लीड्स टू बदकारी. अच्छा, तो अब मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर हमजा अली अब्बासी ने इस्लाम की राह चुनी है तो क्या वो उसकी लिव एंड लेट लिव हिज लाइफ हिज चॉइस नहीं है. वाई इज इट सच अ बिग प्रॉब्लम अगर हमजा अली अब्बासी ने ये राह इख्तियार की है. मतलब ही वॉज, और मैं तो उसको सल्यूट करूंगा, मैं तो कहूंगा अल्लाह ताला मुझे क्या हर मुसलमान को इतनी ताकत दे कि वो इतना सेल्फ अवेयर हो जाए. वो ही वॉज एट द पीक ऑफ हिज करियर एंड देन ही मेड दिस डिसीजन. मतलब वो पीक पे था और उसने छोड़ दिया. ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, और उसको आप लोग भाई बैश कर रहे हैं. बट राबी पीरजादा ने भी, मैं आई एम सरप्राइज्ड कि राबी पीरजादा के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं आई इन लिबरल्स की तरफ से. उसको सपोर्ट किया गया. ऑन दी अदर हैंड उसको यू गो गर्ल के नारे लगाए गए हैं, लेकिन हमजा अली अब्बासी को आप लोग बैश कर रहे हैं. ये कौन है, ये कौन से लिबरल मर्द हैं जो ठरक का पर्दा ओढ़ के लड़कियों को बस अंधाधुंध सपोर्ट करी जा रहे हैं और इस्लाम को बैश करी जा रहे हैं. हु आर दीज पीपल मैन, कौन हो आप लोग, एंड आपका मकसद क्या है. यार एक मेरे दिमाग में एक सॉरी मीम आ गई थी कि असल में एक जो देसी फेमिनिस्ट होता है ना उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है. आई एम प्रेटी श्योर बॉयज ने अगर ये मीम देखे तो आप रिलेट कर लेंगे, और हमें पता है कि एक देसी फेमिनिस्ट जो होता है ना, मर्द जो अपनी तरफ से
लड़कियों के हुकूक कर रहा होता है, एक्चुअली उसके दिल में क्या चल रहा होता है। अगर तो वो सच्चे दिल से औरतों के लिए क्या कहते हैं, औरतों के हुकूक के लिए बात करते हैं इक्वालिटी के, तो हैट्स ऑफ, आई एम वन ऑफ देम। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी। अच्छा जी, तो राबी पीरजादा ने भी यही किया है। राबी पीरजादा का तो देखे ना डाउनफॉल, आप एग्री करें ना करें, डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, शी वेंट बैक टू इस्लाम, किसी ने कोई इतनी बात नहीं की, लोगों ने बोला हाँ चलो अच्छी बात है, अल्लाह की राह पे चल, बढ़िया, यू गो गर्ल। एक तो ये यू गो गर्ल है ना, आई डोंट नो, गो वेयर, यू गो वेयर। लेकिन हमजा लिए बासी ने जब ये किया तो दैट इज अपेरेंटली अ बिग इशू कि वो इस्लाम में क्यों है, हालांकि वो तो पीक पे था। राबी जिसका डाउनफॉल है वो इस्लाम में, ये वो ठीक है उसकी मर्जी है, लेकिन हमजा साहब जो पीक में है वो तो थोड़ा फिर ऐसे थोड़ी होता है ना यार। हमजा भाई आप तो बड़ी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपको तो पैसे कमाने हैं यार, आपको तो नाम बनाना है, आपको अल्लाह ने हिदायत दे दी, ऐसा कैसे होता है हमजा भाई, ऐसे नहीं होता। मेरा मुझे सिर्फ इस चीज से खौफ आता है और इस चीज से चिढ़ भी आती है। अच्छा, आप लोग अगर गुनाह कर रहे हैं ना तो फिर आपके पास इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि आप उस गुनाह को एक्सेप्ट करें। अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस्लाम को बुरा क्यों कर रहे हैं? यहां आके ना मुझे समझ नहीं आती बात। आप इतने ही अगर फन्ने खान है तो जब आप गुनाह करते हैं तो एक्सेप्ट करें ना कि हाँ यार इस्लाम में ये जायज नहीं है पर मैं ये कर रहा हूं, आई नो आई एम रॉन्ग, इस्लाम इज नॉट, इस्लाम को क्यों गलत कह रहे हैं यार? आई मीन इस्लाम इज आउटडेटेड यार, 1600 साल पहले, अब टाइम्स हैव चेंज्ड। मतलब आपने गुनाह करना है आप करें, 100 नहीं 1000 बिस्मिल्ला करें, लेकिन फिर आप में इतनी हिम्मत भी हो कि आप उस गुनाह को ओन करें एंड इस्लाम को ब्लेम ना करें। इस्लाम ठीक है, हम ठीक नहीं है। मैं अगर कोई गुनाह करूंगा ना तो मैं बोलूंगा कि हाँ यार ये मेरी गलती है और आई ट्राई टू बी बेटर, बट बस में से हो गया, अल्लाह माफ करे। मैं इस्लाम को नहीं चेंज करूंगा, इस्लाम की आयतों को नाउज बिल्ला क्या कहे बंदा। तो यही मैं अपने 2 सेंट्स देना चाह रहा था इस टॉपिक पे, अबाउट हाउ इज पाकिस्तान केम इन टू बींग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, और हाउ ये जो लंडे के लिबरल्स हैं, ये लंडे के भी नहीं यार, लंडे में भी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, पता नहीं केड़े लिबरल्स ने जो इस तरह की फ्रेजेस और सेंटेंसेस को सिर्फ अपने उसके लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल भी मैं सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बट देन मैंने सोचा कि नहीं यार, लेट्स जस्ट लेट इट गो। लेकिन आज सुबह उठा और फिर से कुछ कॉमेंट्स देखी, एक तो यार हो सकता है मुझे बड़ा होना पड़ेगा, मैं ये कॉमेंट्स देख के ट्रिगर हो जाता हूँ यार, कॉमेंट्स देख के मुझे बस ये लोगों की नहीं, एक दो कमेंट्स हो तो बंदा कहता है यार अच्छा ठीक है, यार जब टॉप कमेंट्स और मतलब ज्यादातर लोगों की सोच ही इस तरह की है कि भाई नहीं पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी के लिए बना है, हमजा अली बासी अटेंशन सीकर है, इस्लाम फलाना है, इस्लाम की दुकान है, तो इस तरह की चीजें ना फिर यार मुझे तो एटलीस्ट क्या कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होती पूरा पूरा दिन। तो एंड में यही कहना चाहूंगा कि ये देखें भाई गली में कोई वो बेच रहा है 3 डब्बे, यू गो बॉय 3 डब्बे, मोर पावर टू यू। तो एंड में ही कहना चाहूंगा कि यार ओपन योर आईज जरूर, बाय दैट आई मीन इस तरह नहीं कि मेरी अभी नींद में है, लिटरली अपने दिमाग की आंखें भी खोलें, रीड, नो अबाउट योर हिस्ट्री, अबाउट आर सेल्व्स कि हम कौन है, हम क्या हैं। और लास्ट बात जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो ये थी कि हम हर एक की जिंदगी का सच जो है ना, हर एक की, मेरी आपकी हर एक की जिंदगी का एक सच है, दैट इज डेथ, the harsh reality that one can't ignore. Anyways, assalamu alaikum and may Allah bless us all.